हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट पार्ट टू। इसमें मेजर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट बायोमेडिकल वेस्ट इज मैनेज्ड इन सच अ मैनर टू प्रोटेक्ट अवर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट। बिकॉज एज इन अवर फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड हाउ मच इट इज अफेक्टिंग एडवर्सली to our environment as well as public health if it is not handled properly। so properly handle करना है ताकि हमारा जो human का health है उसको भी protect किया जाए और environment को भी protect किया जाए against its adverse effects। so major objectives जो है biomedical waste management के, सबसे पहला तो minimize the production और generation of infectious waste। जो भी infectious waste है उसका जितना हो सके उतना कम generation हो। recycling अगर possible है तो करो। ट्रीट द वेस्ट बाय सेफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर एज वेल एज एक्सेप्टेबल मेथड्स। जो भी है एज पर अवर रूल्स वी हैव टू फॉलो दैट। एडिक्वेट केयर इन हैंडलिंग, हैंडलिंग बहुत ही अच्छे से करना है ताकि वो जो इन्फेक्शियस वेस्ट है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर ना करे डिजीज। एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू वेस्ट, मीन्स जो भी उसको हैंडल कर रहा है, जो भी इंसान उसके संपर्क में आ रहा है वो भी उसको इन्फेक्शन ना लगे। सो जनरली दिस आर द स्टेप्स विच आर जनरली फॉलोड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले सर्वे किया जाता है कि वेस्ट कौन सा जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है। उसके बाद उसका सेग्रीगेशन, मतलब उसको अलग अलग कैटेगरीज जो है उसके हिसाब से उसको सेग्रीगेट किया जाता है एंड उसको सेपरेट जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर सेग्रीगेट करके रखा जाता है। देन उसका कलेक्शन होता है, फिर उसका कैटेगराइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स एंड देन स्टोरेज ऑफ वेस्ट। स्टोरेज शुड नॉट बी मोर देन 48 आवर्स से बियॉन्ड उसको नहीं स्टोर करना चाहिए। उसको जो भी ऑथोराइज्ड पर्संस हैं उनके थ्रू कलेक्शन किया जाना चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड अल्टीमेटली द ट्रीटमेंट टू बी गिवन एंड देन आफ्टर डिस्पोजल। सो बेसिकली दिस एग्रीगेशन इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और एनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सो सबसे पहला होता है ब्लैक बैग और ब्लैक कंटेनर। उसमें साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो सेल को सेल के लिए पॉइजनस है ऐसा वेस्ट उसके अंदर डाला जाता है, एक्सपायर डेट का मेडिसिन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्सेट्रा। देन रेड बैग और रेड कंटेनर, इट इज यूज फॉर द इन्फेक्शियस वेस्ट विच इज रिलेटेड टू प्लास्टिक। प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी है इन्फेक्शियस वेस्ट उसको रेड बैग में डाला जाता है और जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट है अदर देन प्लास्टिक उसको येलो बैग में डाला जाता है। सो बेसिकली दिस रेड एंड येलो, दिस इज फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट बट दिस इज फॉर प्लास्टिक रेड वन एंड येलो इज फॉर नॉन प्लास्टिक। देन ब्लू बैग के अंदर इन्फेक्शियस शार्प वेस्ट, मतलब जो भी शार्प वेस्ट होती है जिससे कुछ कट लग सकता है तो उसको इसमें डाला जाता है ब्लू बैग में। नेक्स्ट आता है ग्रीन बैग, उसमें रिसाइक्लेबल जो भी आइटम्स है वो सब इसमें रखी जाती है। एंड लास्ट इज पंक्चर प्रूफ कैन, उसके अंदर जो भी हमारा नीडल्स है, ब्लेड्स है एक्सेट्रा, उसको और जिस जो इन्फेक्शियस भी है और इंजरियस भी है उसको इसमें रखा जाता है। सो दिस आर द ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट। सबसे पहले केमिकल डिसइंफेक्शन। सो जो भी पैथोजन है उसको मारने के लिए क्लोरीन इथिलीन ऑक्साइड ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट इज थर्मल टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हाई टेम्परेचर पे डिकंटामिनेट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट वगैरह को ताकि उससे इन्फेक्शन ना बढ़े। तो जो भी मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स होते हैं जनरली 100 के बिलो डिग्री मोस्टली वो किल हो जाते हैं। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड इन दिस थर्मल टेक्नोलॉजी, ऑटोक्लेव, हाइड्रोक्लेव, माइक्रोवेव, इंसिनरेटर, पायरोलिसिस, प्लाज्मा सिस्टम एक्सेट्रा। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट दिस ऑटोक्लेव। तो उसमें जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल टूल्स है उसको इस ऑटोक्लेव के अंदर रखा जाता है एंड जो जो उसका लीड होता है उसको सील कर दिया जाता है एंड एयर को रिमूव किया जाता है, जो नॉर्मल एयर है उसको रिमूव किया जाता है एंड उसके अंदर स्टीम को पंप किया जाता है। तो हियर यू कैन सी दिस, दिस इज द स्टीम सप्लाई, स्टीम को सप्लाई किया जाता है एंड देन आफ्टर दिस एयर इज रिमूव। सो जनरली ये सब लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल, सर्जिकल जगह पे यूज होता है। ग्रेविटी प्लेसमेंट टाइप का एक होता है जिसके अंदर एयर पुश किया जाता है आउट ऑफ द ऑटोक्लेव बाय द स्टीम अंडर प्रेशर। जैसे यहाँ पे स्टीम है वो एयर को रिप्लेस कर रही है
और जनरली टेम्परेचर 121 डिग्री पे होता है और साइकिल टाइम ऑलमोस्ट 60 टू 90 मिनट्स का होता है। दूसरा होता है प्री वैक्यूम टाइप, मतलब वैक्यूम पंप से इनिशियली ही एयर को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके अंदर बाद में स्टीम का प्रेशर डाला जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से प्री वैक्यूम मतलब पहले से जब हम एयर बाहर निकाल देते हैं तो उसमें उसका साइकिल टाइम 30 टू 60 मिनट्स का हो जाता है एंड टेम्परेचर भी 132 डिग्री के अराउंड रहता है। सो इन शॉर्ट एयर को निकालो बाय द स्टीम प्रेशर, मतलब स्टीम एयर को रिप्लेस करता है और स्टरिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लेव। हाइड्रोक्लेव इज अ जैकेटेड सिलिंड्रिकल वेसल, ये एक वेसल जैसा होता है और इसमें श्रेडिंग डिवाइस भी होता है इनसाइड। इसमें यहाँ से वेस्ट लोड किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल एंड यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर एंड दिस हाई प्रेशर इज मेंटेन एंड उसकी वजह से जो भी हॉट एनवायरमेंट अंदर क्रिएट होता है और श्रेडिंग वगैरह होता है उसकी वजह से यहाँ पे डिसइंफेक्शन होता है एंड होल्डिंग टाइम जो होता है 15 मिनट फॉर 132 डिग्री एंड 30 मिनट्स फॉर 121 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव। तो यहाँ पे माइक्रोवेव वेव्स की वजह से जो भी हीट होता है वेस्ट मटेरियल उसकी वजह से डिसइंफेक्शन होता है। सो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो 300 to 3 lakh मेगाहर्ट्ज रेंज की जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम की, वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है एंड इट विल क्रिएट द वाइब्रेशन इन ऑल द डाइपोल मॉलिक्यूल्स एंड वॉट एवर वाइब्रेशंस आर जनरेटेड इट विल जनरेट द फ्रिक्शन एंड उसकी वजह से जो भी प्रोड्यूस होता है हीट वो डिसइंफेक्ट करता है। इट मे टेक ऑलमोस्ट 25 मिनट टाइम। नेक्स्ट इज इंसिनरेटर। सो दिस इज द मेन इक्विपमेंट दैट इज जनरली यूटिलाइज टू एलिमिनेट द पैथोजेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू ऐश। सो दिस इंसिनरेशन ऐश मीन्स जो भी बाकी जब बच जाता है उसको ऐश बोला जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है 900 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड और कोई भी वेस्ट जो है जो पर्टिकुलरली अगर इंसिनरेटर, सो दिस इज द फिगर ऑफ द इंसिनरेटर, तो नॉर्मली उसमें प्राइमरी चैम्बर एंड सेकेंडरी चैम्बर्स होते हैं जिसमें अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। इनिशियल चैम्बर में थोड़ा 900 के अराउंड होता है, सेकेंडरी चैम्बर में वो 1050 के ऊपर टेम्परेचर होता है। तो कोई भी जैसे मटेरियल या वेस्ट उसमें डाला जाता है तो वो उसमें से जो भी पैथोजेंस हैं उसको पूरा का पूरा किल कर देता है और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कुछ भी है उसको पूरा का पूरा वो ऐश में कन्वर्ट कर देता है। सो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स विच आर यूज्ड इन इंसिनरेटर, वुड या चारकोल या इलेक्ट्रिकल इंसिनरेटर होता है या ऑयल फायर्ड इंसिनरेटर, देख में यूज डीजल ऑयल एक्सेट्रा एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ BMW इंसिनरेटर, मल्टीपल हर्थ एंड रोटरी किन एंड कंट्रोल्ड एयर इंसिनरेटर। So this is widely used in India. So this is the typical figure. So here this primary chamber जिसमें थोड़ा temperature 900 के around होता है and this is secondary chamber इसमें थोड़ा temperature ज़्यादा होता है 1100 के आसपास और फिर जो भी flue gases निकलते हैं उसको scrubbing means air pollution because यह जला रहे हम लोग तो air pollution होने का chance रहता है तो air pollution control equipment is very essential. These are some of the standards for the incineration as per our BMW rules 2016. So first is combustion efficiency almost 99% होनी चाहिए and for this is the equation. जैसे primary chamber का minimum temperature 800 specify किया गया है और secondary chamber का minimum 1050 plus or minus 50 degree. And also this secondary chamber का जो gas residence time है वो at least 2 seconds का होना चाहिए. Emission standards भी दिए गए हैं to protect our surrounding from the air pollution. So इसमें ये particulate matter, nitrogen oxide, HCl, dioxin, furans, then HGN its compounds. So these are the limits given in that room. And stack height, मतलब जो चिमनी की height, जिसमें से ये gases बाहर निकलेंगे, वो minimum 30 meter होनी चाहिए above ground level. And जो भी ash develop होता है, उसको लैंडफिल में उसको डिस्पोज प्रॉपरली करना चाहिए। नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज आर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, उसमें कॉम्पैक्शन कर सकते हैं हाइड्रोलिक रैम के साथ, देन ग्राइंडिंग एंड श्रेडिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देन पल्वराइजेशन
पल्वराइजेशन का मतलब भी वही होता है कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल में उसको कन्वर्ट करना है। देन इरेडिएशन टेक्निक, इसके अंदर आयोनाइजिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज किया जाता है, एंड उसकी वजह से जो भी लिविंग सेल्स के जो न्यूक्लिक एसिड है उसको डिकन्टामिनेट किया जाता है एंड इट विल बी डिकन्टामिनेटेड। देन बायोलॉजिकल प्रोसेस में बायोलॉजिकल एंजाइम्स का यूज करके भी पैथोजेंस को किल किया जा सकता है। सो दिस इज वन टिपिकल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी शोन इन द फिगर। हियर यू कैन सी दैट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर ये ट्रेनिंग मिलती है सब जो भी हैंडल करना है। सो हियर दिस इज द अनलोडिंग फैसिलिटीज, कलेक्शन व्हीकल आ रहा है, अनलोड कर रहा है, देन उसका सेग्रीगेशन हो रहा है अलग अलग टाइप्स के कैटेगरीज के हिसाब से। फिर यहाँ पे इंसिनरेटर फैसिलिटी दिखाई गई है, यहाँ पे ऑटोक्लेविंग हो रहा है, एंड जो भी रिमेनिंग है उसको यहाँ पे डिस्पोजल किया जा रहा है रेसिड्यू को आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। एंड हियर दिस इज जस्ट द समरी ऑफ ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड हाउ दिस ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी दैट इज गिवन एज अ समरी। सो इट इज वेरी एसेंशियल दैट बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन हो और सेग्रीगेशन के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो ताकि उसको पूरा का पूरा डिकंटामिनेट किया जाए और उसका जो भी इन्फेक्शन है वो कहीं पे फैले नहीं। थैंक यू।